अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मिनाहिर व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जो हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? मेरे मामू की शादी है और हम लोग बस साथ साथ आपको वो भी दिखाएंगे। पीछे टॉवल आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। आज बस मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे खड़ी होके मैं क्या करूँ। शादी है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। आज मैंने एक दिन का ऑफ लिया था और मैंने कहा कि बस मुझे अब तैयारी शारी करनी है। अभी मैं ज़रा थोड़ी सी क्लिनजिंग करूँगी क्योंकि मेरी ना इतनी वो डस्ट इतनी आ जाती है ना, यू नो हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर मट्टी ऐसे ऐसे मुंह पर जाके गिरती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना क्लिनजिंग करूँ। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको? एक नहीं, चलें कोई बात नहीं, तो आपको हर वीडियो में ही नज़र आता है। तो जी, मैंने कहा कि अब थोड़ा सा क्लिनजिंग करती हूँ और बाद में फिर मुझे थोड़ी सी क्या कहते हैं और थोड़े से अपने काम है वो करूँगी और फिर इंशाल्लाह आपको मेहंदी बारात वलीमा तीनों दिन के फंक्शन साथ साथ दिखाएँगे। आप मामू की शादी को इंजॉय करेंगे। मेरे मुँह से लग रहा है कि कुछ मुझे क्लिनजिंग की ज़रूरत है। है भाई, है। अभी हम इसको लगाते हैं। कैसे लगाते हैं इसको? ऐसे ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। अभी ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी मैं क्लिनजिंग अपनी कर सकूँ। थोड़ा सा वहाँ पीछे को जाएं। हाँ, उसको प्रॉब्लम, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी आती। अभी हम लोग ये करेंगे डर्मा सेंस का, एक से स्क्रब कर लेंगे और बाद में मास्क लगा लेंगे और बस। यार कैसे, क्या लग रही हूँ मैं? बस ठीक है, थोड़ी सी क्लिनजिंग करेंगे ना, ये डस्ट वगैरह निकल जाएगी और बाद में बाकी फिर आपको साथ साथ दिखाते। आज मेहंदी का फंक्शन है और मैं सारा कुछ आज कर रही हूँ, आप लोग बस चेक करें मेरी लापरवाहियाँ। चलें अभी मैं ज़रा ये थोड़ा सा लगा के आती हूँ। आप भी लगाएंगे स्क्रब ऐसे 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 ऐसे, डस्ट डस्ट निकल जाएगी ना। बाइट फिरना होता है तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है मेरे मुंह पर। के बाद हम लोग आ गए सैलून। दोपहर के बज रहे थे तकरीबन 12:30। वो देखें सामने टाइम नज़र आ रहा है। हमने करवानी थी वैक्स और यहाँ पे शुरू हो गई है हमारी आम वैक्स, क्योंकि यार मतलब फैंसी कपड़ों के साथ कोई बाल शाल नज़र आते तो अच्छे लगते नहीं हैं। ये तो एक बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है। देखें, मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ और शादी के बाद मेरा ऐसा गला ख़राब हुआ, इतनी बुरी मुझे सर्दी लगी है। चलें जी, वैक्स होगी डन। यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा आगे से फ्लिक ज़रा मैं अपना कट करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम फ्रंट से फ्लिक रखती हूँ। तो उन्होंने ये कटिंग करके बस थोड़ा सा आगे से सेट वेट कर दिया इसको, ताकि ज़रा थोड़ी सी मेरी कोई शक्ल में फ़र्क नज़र आए। हाय तौबा, इतना मेरा गला ख़राब है मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर फिर जी वो वैक्स के बाद थोड़े थोड़े से कुछ हेयर्स थे, तो उन्होंने कहा कि चलें जी आपकी हम थ्रेडिंग कर देते हैं। मैंने कहा चलें कर दें, मर्जी थोड़ी। फिर जी ये करने के बाद उनकी बेटी ने मेहंदी स्टार्ट की और थोड़ी थोड़ी सी लग गई और ये आगे जी हमारी मेहंदी फाइनल। बड़ी प्यारी लग रही थी वैसे जी। आपको दिखाते हैं अब शादी वाला घर। ये जी लटके हुए हैं इनके मेहंदी के ड्रेसेस और ये वाला मेरा है। मम्मा का कहाँ गया पता नहीं, हाँ वो गया। और ये मेरी साथ में ही वेलवेट की मैरून शॉल है। हाय, ये देखें मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। ये लड्डू की शॉल है, बाबा की बाहर पड़ी है और ये मम्मा का ब्लैक वेलवेट का ड्रेस है। और ये मम्मा ने अपनी ज्वेलरी निकाल के रखी हुई है साथ में। ये मैं पहनूंगी कुंदन के। आज मैंने थोड़े से बड़े इयररिंग्स पहने क्योंकि मेरा ड्रेस इतना हैवी नहीं है। और ना ये मैंने चाइना से मंगवाए थे, ये देखें चाइनीज़ लिखी हुई। और मैं आज ये लगाऊंगी लाजमी, आज मैंने नेल एक्सटेंशंस लगानी हैं इसके साथ। और ये मेरी ज्वेलरी, मैंने आज कोई चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहननी क्योंकि मेरे जो इसके स्लीव्स हैं वो भरे हैं फुल।
और ये मेकअप निकाल के रखा है जो कि करना है, मुंह पे लगाना है, और ये मैं नेल पेंट लगा के तो बस ऐसे ही यहाँ पे खड़ी हुई हूँ।